इब्राहिम इधर मट्टी में खेल रहा है और इब्राहिम के चाचू की कॉल आई है को इसके लिए कुछ बलून लेकर आए हैं जो कि इस दरवाजे से अभी आने वाले हैं। इसे अभी तक पता ही नहीं है, इसका रिएक्शन देखेंगे। अभी तक तो बेचारा मेरी बातें ही सुन रहा है। हॉस्पिटल नहीं आज जा रहे, अभी से आदत हो गई है ना, हम रोजाना जाते हैं हॉस्पिटल तो ये समझता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये इतने ज्यादा लेट शर्मिंदा हो गया। ओए होए शर्मिंदा हो गया इतने ज्यादा बलून देखकर। ले हो ले हो रोजाना एक एक उड़ाते थे ना, ये लो आज जितने उड़ा सकते हो उड़ा लो, ये लो ये लो ये लो। ओ यार इतने ज्यादा देखकर परेशान हो गया। चलो जी आप खुद दो, चाचू खुद देंगे जी बलून इब्राहिम को। इब्राहिम ये देखो कितने ज्यादा बलून लाए हूँ आपके लिए। होए 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 ये लो। ओए सारे एक ही दफा उड़ा देगा, एक ही दफा सारी नहीं दो सारे उड़ा अच्छा, देगा। एक ये पकड़ो उड़ाओ। नहीं नहीं अब मट्टी में खेलेगा भाई, इतने ज्यादा बलून उसे पसंद नहीं है, उसे ये मट्टी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार एक्वेरियम में ना थोड़े से दिनों के बाद पानी खुद बखुद ना कम होता जाता है। अभी देखे पानी यहाँ तक था और अभी यहाँ पर आ चुका है। पहले तो कोई मसला नहीं होता था यार, अगर पानी थोड़ा सा नीचे भी चला जाए तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ना ये छोटे वाले बच्चे हैं तो देखे यहाँ तक पानी का लेवल पहले हमने किया हुआ था और अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जा रहा है। तो हमने क्या करना है कि ये बाल्टी में मैंने पानी भर लिया, इस बाल्टी को हमने यहाँ पर डाल देना है, फिर मेरे ख्याल में ये पानी का लेवल अपनी जगह पर ना जहाँ तक ये निशान है ना यहाँ तक बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हाँ यार बस यहाँ तक ठीक है, अभी सही है। ये चेक करें, ये देखें अगर हमने ज़्यादा पानी भर दिया ना तो फिर क्या होगा कि जो मछलियों के बच्चे हैं ना, ये एक बच्चा मर गया है। ओए होए इसके साथ तो एक मक्खी भी है, ये मक्खी इधर क्या कर रही है मछली के बच्चे के साथ। ये देखें यार ये बच्चा जिंदा ना हो ना। नहीं यार ये मर चुका है लेकिन ये मक्खी जिंदा है। चलो जी मक्खी तुम बाहर भाग के जाओ। फिर बाकी बच्चे तो तकरीबन सारे ही ठीक हैं, एक बच्चा जो मरा है ना वो बेचारा ये नीचे आ चुका है, बाकी मेरे हाल में ठीक है। तो जब से हमने यहाँ पर मछलियाँ ये जो बच्चे हैं ना इनको शिफ्ट किया ना, तब से मेरे हाल में ये पहला बच्चा है जो मरा है और मैंने अभी आपको दिखाया है। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ कुछ 5-10 मिनट तक। जो इब्राहिम के लिए बलून आए थे ना, इब्राहिम ने तो ठीक से इनको देखा भी नहीं, इनसे ना अब गैस निकलती जा रही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ उड़ा दें इनको, उड़ा ही देते हैं। वैसे इब्राहिम को एक दफा बुलाते हैं, अगर वो आता है ना तो फिर हम मिल के उड़ा देते, ताकि यार उसके लिए आए तो उसे भी गुस्सा बाद में आ जाए कि मेरे बलून थे और मेरे बिना ही इन्होंने ना ये सारे उड़ा दिए हैं। ये देखें इसका क्या हाल हो गया, यहाँ से ये टूट चुकी है। आंधी आई है ना उस तक ये खुली हुई थी, तो आंधी से मेरे हाल में ये ऐसे नीचे को झुकी है ना तो ये वाली साइड नीचे लगी है और ये टूट गई है। तो खैर अभी हम ट्राई करते हैं इसको ठीक करने की, अगर तो ये ठीक हो जाती है सही है, वरना हमारे पास एक पुरानी वाली भी पड़ी थी तो उसका सामान निकाल कर ना हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक कर ही लेंगे। एक दो और तीसरा वाला किधर गया यार, इधर ही था, ये रहा। तीन बलून जो है ना वो टूट गए हैं और अभी ये आ चुका है सारे छोड़ने के लिए, लेकिन इसके नीचे ना हमने कुछ लिखा है यार, ये देखे इंजी और इब्राहिम। अच्छा ना जाओ जाओ उड़ा दो, चलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वहाँ चले जाओ वहाँ जाओ ना। हम गाड़ी के पास क्यों जाएं, हम नहीं आज पकड़ने वाले रोजाना, नहीं हम नहीं पकड़ेंगे यार, हमने नहीं पकड़ना। आप उड़ा दो चलो, हम ये दूर आ गए हैं, चलो अब उड़ा दो उड़ाओ, 1 2 3 पे उड़ाने हैं ठीक है, 1 2 3 बाय 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 बाय। सारे बलून हमारे जा चुके हैं और नीचे जो हमने लिखा था ना यार चले गए चले गए। ओहो चले गए यार, बड़ा दुख हुआ है, कोई बात नहीं ऐसे ही हमने इनको उड़ाना था। तीन अभी भी हैं जो इसने देख ली हैं कि उनको भी उड़ाना है, काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हैं, मतलब यहाँ से तो अब मुझे ठीक से नज़र भी नहीं आ रही है, देखें यहाँ से ठीक से नज़र नहीं आ रही, अभी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गया यार। अभी अगर मैं इनके पीछे बाइक लेकर जाऊँ ना तो मैं इन तक पहुँच सकता हूँ। दोस्तों शुक्र है यार ये जगह पहले से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि माली भाई ने आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और ये जितने भी गिरे हुए फूल थे ना और जो ख़राब फूल थे, इतनी ज़ोर से इनके ऊपर बारिश पड़ी है ना कि फूल ख़राब होना शुरू हो गए थे, और यहाँ से ना आधे फूल तो आज माली भाई ने निकाल के रख दिए। इधर ये भी शॉपर पड़ा था, भरा हुआ था इस तरह के फूलों का, फूल जलना शुरू हो गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जिस तरह ये जलना शुरू हो गया ना, सेम इस तरीके से ना फूलों ने जलना शुरू कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा फूल जो ख़राब हो गए थे वो निकालने पड़े हैं, और जो गिर गए थे ना माली भाई ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर इसका कोई पता नहीं चलता, पता नहीं कहाँ से ये ऊपर चला जाता है दीवार के और फिर हमसायों के घर चला जाता है और वहाँ से ना घूम फिर के आता है। तो खैर इसका तो यही काम है, इसने कौन सा हमारी सुननी है, अब पता नहीं नीचे आना चाह रहा है, नीचे नहीं आ पा रहा, डर से फिर नीचे भी नहीं आता। तो दोस्तों मेरे हाथ में है ये बॉक्स, इस साइड से ना ये वाइट कलर का, बाकी जितनी भी साइड है ना मैं आपको दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे। तो है मेरे हाथ में पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन, तो ये घर में यार आई हुई थी ना काफ़ी दिनों से, तो हम पॉपकॉर्न वगैरह बना खा रहे थे क्योंकि अभी सर्दियां आ चुकी हैं ना, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम
पॉपकॉर्न बनाकर ना अपने सारे परिंदों को खिलाती हैं, क्योंकि ये सारे शौक से खाते हैं, कंफर्म बात है। मैं रोज को खिलाऊंगा, बकरियों को खिलाऊंगा, परिंदों को खिलाऊंगा, ऑस्ट्रिच को खिलाऊंगा, जिसको भी खिलाऊंगा ना कंफर्म बात है कि ये पॉपकॉर्न खाने वाले हैं। तो इसलिए जल्दी से हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं और आज सारे परिंदों को खिलाते हैं। पिजन हाउस को पेंट करना था लेकिन वो भाई अभी जा रहे हैं, मैंने खुद उनको भेज दिया यार। मसला ये है कि ये पेंट जो है ना वो भाई कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, इसका कलर भी कुछ ख़राब है और साथ ये ब्रश वगैरह जो है ना ये सारे भी ठीक नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आप कल सामान सारा लें और मैं इसको ना अच्छे से आपको कलर कर दूंगा बाहर से अंदर से ये सारी दीवारें। ओहो हमारा हाथ क्या कर रहा है, देखो कितना मज़े से उड़ रहे हैं यार। इसको उड़ाना तो था लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ना मैंने आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स पढ़े हैं ना, आप सब यही कह रहे हैं कि यार इस हाथ को आप यूज़ कर सकते हैं कवे भगाने के लिए, ये वाले कवे। तो हम कल एक ट्राई करेंगे, अगर तो इससे कवे भाग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसको ना आज़ाद कर देंगे। दोस्तों मशीन को तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, लेकिन यार जिस चीज़ से दाने बनते हैं वो तो हमारे पास है ही नहीं। नहीं नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, मैं ले आया था पहले, ये देखें शॉपर भर के ले आया हूँ। हाँ ये भी ले आया है, इसको हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यार ये बिल्कुल थोड़े से। अच्छा आप डालना, आप डालना, ये इतने से होते हैं ना तो इतने ज्यादा ये बन जाते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। अगर मैं ऐसे ही ये दाने अपनी मुर्गियों को डालूँ ना तो हमारी मुर्गियाँ जल्दी से ख़त्म कर लेंगी, लेकिन अगर सबके हम कॉर्न बनाएंगे पॉपकॉर्न तो फिर तो यार इतने ज़्यादा बनने वाले हैं ना कि ये सारे खा भी लेंगे फिर भी हमारे पास ये दाने बच जाएंगे। ये तो सारे दाने हमने इसके अंदर डाल दिए, अब हमने क्या करना है कि सिर्फ ये इतना सा ये रखा, इसको हमने यहाँ पर रखना है, ऐसे कर दिया। इसके अंदर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक वाले इनको डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक तो हम खुद खाएं तो तब डालते हैं। तो अभी क्या करना है कि इसको हमने यहाँ से बस ये ऐसे चला देना है और ये घूमना इसने शुरू कर दिया। अभी 1 से 2 मिनट तो लगेंगे और उसके बाद पॉपकॉर्न आना शुरू हो जाएंगे। वो बनना शुरू हो गए हैं, हाँ 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 शुरू हो गए हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि कितने ज़्यादा बनेंगे। मेरे ख्याल में तो यार ये अगर सारे बन जाए ना तो फिर तो काफ़ी अच्छी बात है। ओ बनना शुरू हो गए, आ रहे आ रहे आ रहे, ये ओए आपने भी खाने, अभी हम अपने लिए अलग से बनाएंगे। ओए आना शुरू हो गए, ओए देखो ना थोड़े से कितने ज़्यादा हो गए, ओए 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 ये देखे ना यही से उठा उठा के खा रहे हैं। यार अभी आधे दाने बच चुके हैं और ये देखें इतने ज्यादा फूल भी बन चुके हैं। इब्राहिम ने अपना एक शॉपर ना यहाँ पर पूरा गिरा दिया था, जो कि टर्की जाकर खा गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि सारे परिंदों को, जानवरों को, जो जो खाएंगे ना उनको पॉपकॉर्न खिलाना। तुम खाओगे? चेक करो ज़रा, ये तो नहीं खाएगा यार। अल्फा, चिली, साथ में भालू और हमारी बेला ये नहीं खाएंगी, बाकी तो सारे परिंदे ये खाने वाले हैं। खा लो खा लो, सारे आ जाओ। तो बस बस ज़्यादा नहीं डालने, हमने तो ट्राई करना है ना, बाद में वो डाल देंगे। खा रहे खा रहे, चलो इधर आके डालो इस साइड में, बस यार इनके लिए काफ़ी है, ये सारे खा रहे हैं। थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब मुर्गियों को, कबूतरों को और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको तो मैं खिलाना ही भूल गया था, ये भी खाएंगे। चेक कर लो, ट्राई कर लो यार, कुछ नहीं होता, एक दफ़ा चेक तो करो, क्या पता तुम्हें मज़ा आए खाने में। ये लो, ये खाने के लिए आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं, आपने अंदर नहीं जाना, आप नीचे आ जाओगे इनके। खा लो खा लो। नहीं यार ये अभी शर्मा रहे हैं, ये खा लेंगे, लेकिन अभी इन्होंने मुझे देखा हुआ है ना तो इस वजह से ये डर रहे हैं थोड़े से, वरना ये खा लें, क्योंकि इनके बाहर आने का वक्त है ना, तो इसलिए ये बाहर आना चाह रहे हैं। बाहर तो ये इजीली खा लेंगे, खैर हम भी आहिस्ता साथ साथ खा रहे हैं और परिंदों को भी खिला रहे हैं। हमारा राजा और रानियाँ भी तैयार हैं। हाँ भैया आप डाल लो, आप कहीं ना रह जाना। चलो बस बस बस, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं, अब ये खा लेंगे। यार पहली दफ़ा ना इन्होंने पॉपकॉर्न देखे हैं ना, तो इसलिए करीब आने से डर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा जब ये ट्राई कर लेंगे ना तो फिर ये खाना शुरू कर देंगे। अभी ये आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुर्गियों को खिलाते हैं। इधर 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 इधर, ये लो मुर्गियों, खा लो खा लो मुर्गियों। सारी सारी मुर्गियों को बुलाते हैं, वो आराम से यार हर जगह पे गिरा रहे हैं, पाँव के नीचे आएंगे बाद में। एक मिनट, एक जगह पे फेंको, इधर एक जगह पर, यहाँ पर। चलो मैं यार सारी मुर्गियों को बाहर निकाल लूँ, सबको एक ही जगह नहीं खिलाने ना, हमने खुद भी खाने हैं पहले। ओए यार ऐसे नहीं गिराओ, छोड़ दो छोड़ दो, हम खुद खिलाते हैं। लेकिन कैसे खा रही हैं मज़े के साथ। हाँ ये भी खाएगी, तुम खाओगे? चेक कर लो। हाँ यार ये भी खाएगा। अच्छा तुम खाओगे?
ये भी खाएगा, सारे ही नहीं खाने यार, सब खाएंगे। तो इन सबको भी खिलाते हैं अपने खाने के बाद। अहमद इसमें डालना थोड़ा सा, इतने से और बस, रोज को खिलाते हैं खाने है? हाँ जी ये भी खाएगी। ये कैसे खा रही है, चलो चलो ये लो इधर, रोज के ना हम इधर डाल देते हैं, रोज खुद ही खाती रहेगी। अल्फा तुम पहले एक खा के देखो। नहीं अल्फा और चिली नहीं खाएंगे, ऐसे जाया करने वाली बात है। हाँ भाई फिजेंट तुमने खाना है, इधर आ जाओ, ये लो तुम खा लो। फिजेंट खा लेगा यार इसका मुझे पता है, क्योंकि ये मुर्गियों की नस्ल का होता है ना, तो इसलिए खा लेगा। देखें फिजेंट की फीमेल कैसे खा रही है, ये खा जाएगी। दोस्तों बाकी तो हमने सारे ही परिंदों को खिला दिया है, बस ये हमारे पैरट्स रह गए, अब पता नहीं ये खाएंगे, इसलिए हमने थोड़े से इस तरफ लाए हैं। अगर तो इन्होंने खाए तो और ले आएंगे, मुझे नहीं लगता ये खाएंगे। ये खा के चेक करना कैसा है। ओहो नीचे गिर गए, ये लो आके खाओ। ये ले तो गया है लेकिन अब पता नहीं है कि ये खाएगा नहीं खाएगा। हैं खाना शुरू कर दिया, खा रहा है यार, इनको भी देता हूँ। आ जाओ लोरी, ये खा के जरा ट्राई करो, मुझे बताओ फिर कैसा है। आ जाओ जल्दी से, और देते हैं लोरी को, लोरी आ जाएगी। हाँ आ जाओ जल्दी से, जरा खा के चेक करो ना। ये मुझे लगता है इन्हें भी पसंद आ गया, नहीं आया पता नहीं यार, खा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नहीं यार पैरट्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बजीज को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई पैरट खाएगा, तो इसलिए हैं खा रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं यार, खा नहीं रहे, तो इसलिए इनको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो बेचारा एक खा रहा है, उसने भी नीचे फेंक दिया। यार इस कमरे से इतनी ज़्यादा प्यारी महक आ रही है ना पॉपकॉर्न की, काफ़ी ज़्यादा यार। हमने पॉपकॉर्न बनाए इधर थे ना, तो वही सारी खुशबू यहाँ पर फैली हुई है। अभी तो मशीन हमने इधर रख दी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो दाने बच गए थे ना, वो अभी हमने अपने लिए, वैसे तो रोज़ाना ही हम बनाकर यहीं पर खाते हैं, लेकिन अभी भी बैठ कर ना हम अपने लिए खाएंगे, क्योंकि सारे जानवरों और परिंदों को तो हमने डाल दिए थे और उन्होंने ना अच्छे से खा भी लिए हैं। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।